नमस्कार। राज्य में कानून व्यवस्था चौपट। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, गिरिडीह। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। न्याय मांगने वाले को ही राज्य सरकार गिरफ्तार कर रही है। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने आवास में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, राज्य में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। राज्य की जनता अब न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरती है तो उसे गिरफ्तार करवा देती है। ऐसे में सरकार से उम्मीद करना बेकार है। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हजरा, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, उप महापौर प्रकाश सेठ मौजूद थे। राज बनने के पहले इस प्रदेश में उग्रवाद की एक्टिविटी गतिविधि कैसे थे, गिरिडीह के लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। गिरिडीह से ये जो पीरटाण की सड़क या कुंडी की सड़क, रात को गाड़ियां नहीं जाती। वैसे चायबासा की सड़क पलामू की तरफ, चतरा की तरफ, रात में बिल्कुल गाड़ी कहीं जाती नहीं थी। आज वही स्थिति फिर से पैदा हो रही। आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले देखे थे कि खूंटी चायबासा की रोड में रात में चायबासा की तरफ बस जा रही तो उस पर गोलियां चलाए। आए दिन उग्रवादियों का उपद्रव पूरे प्रदेश में आप देखेंगे, सब जगह हो रहा है, घटनाएं घट रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और इस प्रदेश में सबसे अधिक महिला प्रताड़ित है। पूरे एक साल में दुष्कर्म की जो घटनाएं घटी है महिलाओं के साथ, वो लगभग 1700 करीब। और सरकार के लोग या बैठे हुए कांग्रेस जेएमएम सारे लोग क्या बोलते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए बीजेपी वाले विरोध करते हैं, लेकिन सबसे अधिक महिलाएं 600 से अधिक की संख्या में आदिवासी महिलाएं इसमें दुष्कर्म की शिकार हुई। 400 से अधिक तो दलित महिलाएं शिकार हुई। और बाकी भी जो कमजोर तबके के, और आए दिन घटनाएं हो रही। और न्याय के लिए अगर सड़क पर लोग आंदोलन करते हैं तो आप सब लोगों ने पिछले दिनों पुलिस कप्तान का बात सुने कि सड़क पर लोग आंदोलन करेंगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। सोशल मीडिया में भी अगर लोग डालते हैं, ट्वीट करते हैं जस्टिस फॉर निर्भया और मांझी ऐसा करके, तो उस पर भी कहते हैं कि उन लोगों को भी नोटिस किया जाएगा, उन लोगों के ऊपर भी केस किया जाएगा। यानी पकड़ना चाहिए अपराधियों को, पकड़ना चाहिए उन गुंडा बदमाशों को। तो धमकी किसको दे रहा है जो न्याय के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, न्याय के लिए जो लोग आवाज़ उठाते हैं। तो ये राज्य की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप सब लोगों के संज्ञान में लाना था। और पूरे प्रदेश की स्थिति, यानी लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं, लचर हो चुकी, क्योंकि इसमें पैसे की रोना तो कोई ज़रूरत नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, पुलिस बल की कमी नहीं है, तो इसको तो ठीक करते सरकार। और गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास तब ये हालत। दूसरा जो मामला है करप्शन की, भ्रष्टाचार, अब बड़े बड़े भ्रष्टाचार की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि बड़े बड़े भ्रष्टाचार में कहाँ कितना कमीशन लिया जाता है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ आम लोगों की जुड़ाव, जहाँ से आम लोगों की जुड़ाव कहाँ से है, थाना से या अंचल से, लेकिन आज ये जो जगह है ये करप्शन का अड्डा बन चुका है। मानो ऐसा लगता है इस विभागों में जो पदाधिकारी कर्मचारी लगे हुए, लगता है सरकार ने पैसे उगाही में लगा रखे, वसूली में लगा रखे। पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। पिछले दिनों आप सब ने देखा, सरकार ने एक नोटिफिकेशन
या आदेश दिया कि भाई बिना खलिहान के कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, तो हमको तो गिरिडीह से लोग टेलीफोन किया कि भाई यहाँ तो 1904 या 8 या 10 11 में सर्वे हुआ था, आज की हालत यह है कि रजिस्टर्ड 2 भी नहीं मिल रहा है सरकारी दफ्तरों में, खतियान कहाँ ख़त्म हो गया पता नहीं। अभी हमको देवरी ब्लॉक से ही निमाटाण थाना नंबर 172 थाना देवरी का दिया है लोगों ने, गांव के लोगों ने पिटीशन दिया। उस गांव में 200 रैयत का पंजी 2 हल्का मुख्यालय में लगभग 7-8 वर्षों से उपलब्ध नहीं, बार बार लोगों अंचल में लोग आवेदन दे रहे हैं, उपायुक्त को लोग दे रहे हैं, तो कहीं कोई उपलब्ध नहीं करा रहे। भाई पहले तो सरकार का काम है इन सारी चीज़ों को ठीक करना,